हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये जेएसएससी सीजीएल के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये इसका दूसरा पार्ट है, एक पार्ट पहले हो चुकी है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। संपूर्ण डाटा के दस्तावेज को एक बार में ही चयन करने के लिए कौन से कीबोर्ड का शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, मतलब कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट को प्रयोग करके संपूर्ण डाटा के दस्तावेज को एक बार में ही चयन कर लिया जाता है। देखिए 2 MB इक्वल टू क्या, 2 MB का मतलब होता है 2048 KB किलोबाइट। इसका आधा, जैसे 1 MB अगर पूछा जाए, जनरली 1 MB याद रखना होता है, उसके बाद जितना भी MB पूछे आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 MB का होता है 1024 किलोबाइट, तो यहाँ 2 MB पूछा जा रहा है तो 2048 किलोबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDAC भारत द्वारा पहली बार विकसित सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 10,000। CDAC भारत द्वारा पहली बार विकसित, मतलब भारत में बना हुआ ये सुपर कंप्यूटर है परम 10,000। ब्राउज़र में होम बटन में होता है, ब्राउज़र में होम बटन में क्या होता है? तो देखिए, जो निर्दिष्ट किया जाता है प्रारंभिक पेज की सामग्री वही प्रदर्शित करता है। ब्राउज़र का होम पेज बटन निर्दिष्ट प्रारंभिक पेज की सामग्री को प्रदर्शित करता है। होम बटन में प्रारंभिक पेज प्रदर्शित होता है। क्लिप आर्ट शामिल करने के लिए किस मेनू का प्रयोग करते हैं? तो इंसर्ट मेनू का प्रयोग करते हैं क्लिप आर्ट के लिए। MS-DOS किस प्रकार का OS या ऑपरेटिंग सिस्टम है? OS शॉर्ट फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। MS-DOS सिंगल यूज़र GUI का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता हार्डवेयर डिवाइस पर नियंत्रण प्रदान करती है? डिस्क एक्सेस। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता, तो डिस्क एक्सेस की जो विशेषता है यही हार्डवेयर डिवाइसेस पर नियंत्रण रखती है। द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने के लिए करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर में 0-1 बाइनरी डिजिट का ही प्रयोग किया जाता है सारे डेटा के लिए, तो इसीलिए इसे द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर भी कहते हैं। वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है? वर्ड में रैप होता है तो उसकी क्या विशेषता होती है? आवश्यकता अनुसार टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः ही यह भेज देता है। तो वर्ड रैप की ये विशेषता होती है कि स्वतः ही अगली लाइन में टेक्स्ट को भेज देता है। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने डैश द्वारा खोलता है, तो आईपी एड्रेस द्वारा, एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने आईपी एड्रेस द्वारा खोजता है। यहाँ पे खोजता होगा बाय मिस्टेक। डैश एक वेब ब्राउज़र है, ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। इसके साथ ही और बहुत सारे नाम लिखे होंगे, तो वो नहीं है, ओपेरा वेब ब्राउज़र है। जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पार्ट पर माउस को रखा जाता है, यानी किसी चीज़ को जो बिल्कुल हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर, तो यह आकार में परिवर्तित हो जाता है, वो उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है, ऐसे पार्ट को कहते हैं। तो ये जो पार्ट है जो कलर चेंज कर देता है, उसमें परिवर्तन होता है, वो हाइपरलिंक कहलाता है। तो ये याद रखेंगे, हाइपरलिंक किसे कहते हैं? जब ही ऊपर एड्रेस टेक्स्ट को ऊपर हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं तो उसे ही कहते हैं। फ़ोटो का फैक्स भेजने के लिए आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोई एक फ़ोटो है उसे फैक्स के रूप में भेजने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? टेलीफोन लाइन, स्कैनर, प्रिंटर, कंप्यूटर, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है एक फ़ोटो फैक्स को भेजने के लिए। स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी है F5।
पावर पॉइंट में स्लाइड शो का प्रयोग हम लोगों ने सीखा है, उसमें की F5 द्वारा स्लाइड शो का ये शॉर्टकट की है, इसे प्रेस करते हैं तो कंटिन्यूसली स्लाइड आगे बढ़ते जाते हैं। MS Excel में किसके प्रयोग से डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड से। तो डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड से एक्सेल में डेटा को आरोही से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा रेड रेड लाइनिंग बन जाती है ऊंची नीचे से zigzag टाइप से, तो इसे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होते, स्पेलिंग में कोई त्रुटि होती है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे कंप्यूटर से रिलेटेड। चलिए अगले क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो रिपीटेड भी बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पहले आए हुए होते हैं वही आते हैं, और बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो नए पूछे जाते हैं। तो हम लोग हर तरह से तैयार रहेंगे। पहले हम लोग पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला से पढ़ लेते हैं, और उसके बाद कुछ नए प्रश्नों को भी लेंगे। तो धन्यवाद।